एकाध परसेंट भी नहीं है, सारे के सारे ड्रगीज हैं वहाँ पे। सिर्फ एक पिक्चर को क्यों हम हाईलाइट करें पठान, सब सारी पिक्चर्स से है प्रोस्टिट्यूशन, ऑर्गन ट्रैफिकिंग, ये सब होता है वहाँ पे। ऊपर से गिर के मर गया कोई, सुसाइड लटक के मर गया, ये एस्टैब्लिश एक्टर्स के घरों में क्यों नहीं होता ये? या तो आप आउटसाइडर होके इनकी गंदगी में शामिल हो जाएं, या फिर आप आउटसाइडर होके अगर इनके सामने खड़े होते हैं तो आपको मार दिया जाता है। नहीं हो पाएगा। आपको ये जन सैलाब दिखता है जो हर रोज ट्रेंडिंग में आता है, बॉयकॉट बॉलीवुड, ये कोई बंद नहीं होगा। बिकॉज हमें ये समझ में आ गया है कि बॉलीवुड एक्चुअली क्या है। बॉलीवुड एक ऐसी गंदगी है जहाँ पे ड्रग्स, प्रोस्टिट्यूशन, ऑर्गन ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, यही सब चलता है, काला धन, यही सब है। तो ये अब जनता को समझ में आ गया है, तो ये किसी के भी कहने से बॉलीवुड रुकेगा नहीं। सरकारें जो, अगर आप ये कह रहे हैं कि सारे लोग ऐसे नहीं है, अगर ऐसा है तो वो लोग सुशांत के लिए क्यों नहीं बोले? रिया चक्रवर्ती के लिए सारे खड़े थे, वो पैट्रिया की गैंग पूरी खड़ी थी, तो सुशांत के लिए क्यों नहीं खड़े? रिया चक्रवर्ती के थे तो एक या दो मूवी गलती से उन्होंने की है, सुशांत ने तो इतना बेहतरीन काम किया, सिर्फ बॉलीवुड में नहीं वैसे भी। कहा जा रहा सारे बॉलीवुड को बदनाम ना किया जाए, एकाध परसेंट लोग ऐसे हैं जो ड्रग्स वगैरह, एकाध परसेंट भी नहीं है, सारे के सारे ड्रगीज हैं वहाँ पे, और उन किसी को भी ये नहीं है छोड़ना चाहिए। और बॉयकॉट बॉलीवुड इज द डिमांड फॉर एवरीबॉडी हु इज रियलाइज व्हाट बॉलीवुड इज। लग रहा है कि ये सरकार की गलती है, अमित शाह जी के अंडर में सीबीआई आती है तो मोदी जी की सरकार केंद्र में भी और मुंबई में भी अब उन्हीं के समर्थन से चल रही है, तो फिर ये लोग क्या कर रहे हैं? अगर सब कुछ इतनी गंदगी है तो ये तो काम कंट्रोल करना सरकार का ही है ना। ये 100 साल पुरानी इंडस्ट्री है, इसको जो भी आप कंट्रोल करेंगे, अगर इतनी बड़ी हमने ये इंडस्ट्री बनाई है, हम ही ने देख देख के इनको इतना बड़ा बनाया है, कर्टेल करने में भी सर टाइम लगेगा ना, एकदम तो ओवरनाइट तो आप ये नहीं सोच सकते। ये मानना इन लोगों की गलती नहीं है, किनकी गलती? जो सरकारें चला रहे हैं और फिर उसके बाद ये ड्रग्स वगैरह सब फेल। मैं कोई नहीं होती सरकार के लिए कुछ कहने वाली, सरकार अपना काम कर रही है, कौन करेगा? सरकार ही करेगी, लेकिन वो किस तरह कर रहे हैं वो उसका तो मुझे पता नहीं है वो कैसे करेंगे, लेकिन हम गवर्नमेंट जनता जो है वो अपने लेवल पे जितना कर सकती है वो उसे करना चाहिए। गवर्नमेंट अपना काम खुद कंगना रनावत पहले बहुत विरोध करती थी, जैसे ही सरकार में बीजेपी के साथ समर्थन हुआ गायब हो गई। कंगना की भी मूवीज का हाल देख लीजिए ना, कुछ नहीं है। कंगना रनावत ने हर किसी ने सुशांत सिंह राजपूत के केस में यू नो एक अपना लाइमलाइट बनाने की कोशिश करी है, जितने भी जो भी एक आध दो बॉलीवुड स्टार्स जो खड़े हुए थे। सो यही है बायकॉट के सॉल्यूशन है, बिल्कुल उनको आज से फर्स्ट तक लाने का यही सॉल्यूशन है, क्योंकि उनका जितना वो एटीट्यूड में है ना कि मत नहीं देखना है, मत देखिए हम तो नहीं बोलते आपको थिएटर में आके देखने के लिए, वो क्या बोला था अर्जुन कपूर ने कि पब्लिक को जो है हम पब्लिक को हमने ज्यादा तो टॉलरेट हमने कर लिया, तो अब हम बताएंगे हमने बहुत टॉलरेट कर लिया। अक्षय कुमार भी वर्ल्ड वाइड हाउसफुल चल रही है, पीआर बहुत पीआर गैंग है, पीआर गैंग है, कोई अभी कोई पठान का हाउसफुल क्यों जा रहा है, बायकॉट चल रहा है, तो पठान आज रिलीज, पठान का रिलीज कहीं नहीं हुई है, ये सब इंटरनेट पे सर आप हॉल में जाके देखिए उसके बाद बात करेंगे। आप गए आप हॉल में, अभी आने तो दीजिए पिक्चर को, आने तो दीजिए हॉल में देखेंगे। आंकड़े कहाँ दिखा रहे हैं आप? पहले ये तो ट्विटर पे आप आंकड़े दिखा रहे हैं, सोशल मीडिया से, थिएटर में तो आने दीजिए। पठान से है या फिर नहीं, बॉलीवुड से है, पूरे बॉलीवुड से है। सिर्फ एक पिक्चर को क्यों हम हाईलाइट करें पठान, सब सारी पिक्चर्स से है, क्योंकि सुशांत के बाद ही ज्यादातर मूवीज जो है सुशांत ने ही हमें ये दिखाया है कि भाई ये बॉलीवुड नेपोटिज्म से भरा हुआ है, बॉयकॉट, ये प्रोस्टिट्यूशन, ऑर्गन ट्रैफिकिंग, ये सब होता है वहाँ पे। हम आज तक बॉलीवुड को ग्लोरीफाई करके बैठे हुए थे, पर बॉलीवुड को ग्लोरीफाई नहीं करना ये तो फिल्थ है। तो जब उन्होंने प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि हमें इसकी सच्चाई जानने के लिए एक बेहतरीन इंसान को खोना पड़ा, सुशांत सिंह राजपूत को, तो आज जब जनता को ये समझ में आ गया है तो फिर वो कभी समर्थन नहीं करेगी बॉलीवुड का। सीबीआई की जांच से आप सहमत नहीं हैं आप लोग? सीबीआई की जांच से हम यही अभी तक हमें कोई अपडेट नहीं मिला है, तो सीबीआई को सिर्फ यही बोलना चाहेंगे कि सुशांत सिंह राजपूत केस में प्लीज कोई अपडेट दीजिए और इनको इस जस्टिस दीजिए। अब बॉलीवुड को टारगेट कर रहे हैं, लेकिन जो काम कर रहे हैं, काम पे सीबीआई कर रही है ना, तो फेलियर उसका माना चाहिए। फेलियर क्यों? उन्होंने केस बंद नहीं किया है सर, केस अभी बंद नहीं हुआ है, 20 साल तक चल नहीं, तो हम यही तभी तो ये तक तो चल नहीं देंगे, तभी तो क्लोजर लेकर आएंगे। ये आपको क्यों लग रहा है? महीने ऐसे इसीलिए, हर महीने सिर्फ दिल्ली में नहीं, बीजेपी के नेता कह रहे हैं हमारे पास सबूत है, सरकार उनकी, सीबीआई उनकी, तो सिर्फ वो वेट कर रहे हैं क्या इलेक्शन आए तब मुद्दा उठाएं? बिल्कुल नहीं, इलेक्शन के क्यों क्यों नहीं दे रहा है सबूत? तो हम तभी तो हम आप लोगों के जरिए हम भी अपने यही प्रश्न पूछ रहे हैं कि भाई हमें आप पे
हमें आप पे पूरा भरोसा है, आप इस चीज पे कोई राजनीति ना करके आप इसको जस्टिस दिलवाइए सुशांत सिंह राजपूत को। बिहार में चुनाव थे तो सारे नेता आवाज उठा रहे थे, अब कोई नहीं बोल रहा था। बीएमसी चुनाव आते ही बोलने लगे ना बीजेपी के नेता, बीएमसी अभी अगले साल। रूप कुमार जी है उनकी, वो सामने आए हैं, विटनेस आई है, उनका स्टेटमेंट लेना है। हम भी यही कह रहे हैं कि भाई अगर एक उठ के इंसान सामने आया जो ये कह रहा है कि पोस्टमार्टम मैंने किया है, तो उसके आप प्लीज स्टेटमेंट लीजिए उनकी। मैम उन्होंने अभी क्यों बोला, पहले क्यों नहीं? क्योंकि वो खुद बोल रहे हैं कि जो महाराष्ट्र की पहले वाली सरकार थी उनसे उनको खतरा था, हर किसी का अपना परिवार है, सब कुछ है, तो उनको खतरा था। और आज जब शायद वो बाहर, इसलिए सरकार उनके कहने पर क्यों नहीं कर रही काम, तो कर रही होगी। उन्होंने उनको सिक्योरिटी दी, अगर आपने न्यूज सुनी होगी तो रिपब्लिक ने भी बोला है कि रूप जी को सिक्योरिटी मिली है, तो एक चीज वो हुई है। अब स्टेटमेंट रिकॉर्ड करनी है, वो करेंगे, हम तो यही कह सकते हैं। और हम सब जो हमारे हाथ में वो यही है कि हम उन सब से गुजारिश करें। लेकिन बॉयकॉट से तो देश का सबका नुकसान है। क्या नुकसान है सर बॉयकॉट बॉलीवुड से, क्या नुकसान? योगी जी कह रहे हैं ना बॉलीवुड का बहुत बड़ा योगदान है हमारे देश को आगे बढ़ाने में, योगी जी का स्टेटमेंट है। मैं उस पर कोई गलत मानती है योगी जी के स्टेटमेंट से, नुकसान तो हो रहा ना, आप मानती है? क्यों मानूंगी, बॉयकॉट भी हम तो चाहते हैं, हम तो चाहते हैं कि बॉलीवुड बर्बाद हो, और क्योंकि वहाँ पे काला धन ड्रग्स सब कुछ, तो वहाँ से क्या देश का फायदा है, कुछ भी नहीं है। सो मैं तो बिल्कुल ये नहीं चाहूंगी कि बॉयकॉट बॉलीवुड रुके, मैं तो हर किसी को कहूंगी कि ये जितना एक्टर तो काफी ज्यादा जो साउथ में काम कर रहे हैं वो बॉलीवुड में कर रहे हैं। किसने कह दिया बॉलीवुड, बिल्कुल नहीं, बॉलीवुड के एक्टर्स फर्क है। ये जो आपने खान और जो एक करण जौहर खान इन सब की जो पिक्चरें बनती हैं, ये सब ये क्या है, ये नेपोटिज्म ही तो है। एक किसी एस्टैब्लिश्ड एक्टर के बच्चों को ही काम देना है, जो बाहर से आते हैं उनका कोई, अगर वो अपनी मेहनत से भी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं तो वो उनको आप आगे नहीं बढ़ने देते हैं। खान लोगों को निशाना बनाया जाता है जानबूझकर, नहीं सिर्फ खान लोगों को, उन्होंने की मूवी का विरोध नहीं होता, बिल्कुल होता है, हर किसी का होता है, किसने कहा नहीं होता, हर जो भी बॉय जो भी पानी का विरोध क्यों नहीं हुआ, सबका भगवा पहना था, सबका हुआ है, नहीं हुआ था? टिप टिप बरसा पानी बहुत पहले सुशांत, हम तो यही कह रहे हैं, अभी आया तो सुशांत जी के बाद में आया ना, पठान का तो आप भगवा पे विरोध कर रहे हैं सब। आप अगर पठान के लिए मुझे बुलवा रहे हैं तो मैं पठान के लिए नहीं बोलूंगी, मैं बॉलीवुड के लिए कह रहा हूं कि बॉलीवुड में एक बंदे का होता है, एक बंदे का नहीं होता है, हर किसी का होता है। मैं यहाँ खड़ी, अगर मैं बॉयकॉट बॉलीवुड ट्रेंड चलाती हूँ, मैं अगर लिखती हूँ ट्विटर पे, तो मैं सिर्फ ये नहीं देखती कि किसी खान की पिक्चर आ रही है तो मैं बॉयकॉट कर रही हूँ, मैं हर उस पिक्चर का समर्थन कर रही हूँ, बिल्कुल नहीं करूंगी, मैं किसी का भी नहीं करूंगी, मैं बॉलीवुड की एक भी पिक्चर का समर्थन नहीं करूंगी, चाहे फिर वो किसी खान की हो या नॉन खान की हो, मैं बिल्कुल नहीं करूंगी। क्योंकि कुमार की सूर्यवंशम पे हिट हुई थी, किसने कह दिया, मुझे आंकड़े लाके दिखाइए, कितने आप गए थे थिएटर में देखने, आप गए थे थिएटर में देखने, आपने वो पिक्चरें नहीं देखी है जहाँ पे थिएटर में खाली थिएटर्स की पिक्चर्स आई, सूर्यवंशी जो भी आप कह रहे हो उसकी सारी पिक्चर्स थिएटर की खाली पिक्चर्स सामने आई थी, वो किसने क्यों नहीं देखी? अभी कहा कि साउथ की मूवियों का कोई दिक्कत नहीं हो रही, तो क्या बॉलीवुड के पास कंटेंट नहीं है? बॉलीवुड के पास कंटेंट से ज्यादा इनके पास वाइसेस हैं जो वो ये करते हैं। बॉलीवुड क्या है, गटरवुड है सारा, ये ड्रग्स और इन सब के चलते हैं, ये अपना काला धन चलाते हैं, ये प्रोस्टिट्यूशन करते हैं, ये नेपोटिज्म करते हैं, ये उभरते हुए कलाकार जो आउटसाइडर्स होते हैं उनको मार देते हैं। क्या कोई भी खान और ये जो एस्टैब्लिश बाकी अक्षय कुमार है उनके जान पहचान के लोगों में कभी क्यों नहीं होता कि उसने सुसाइड कर ली? क्यों आउटसाइडर फिर, चाहे वो दिशा हो या जिया खान हो या सुशांत सिंह राजपूत हो, वही लोगों को क्यों बोला जाता है अरे इसने सुसाइड कर ली है, ये एस्टैब्लिश्ड एक्टर्स क्यों नहीं करते हैं? तो ये सब लगातार घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। देखिए अभी एक एक्टर और थी वो टीवी, हाँ, शर्मा जो थी, जो तुनिशा शर्मा जी, हाँ जी, सुसाइड कर लिया। तो ये किसने बोला अभी सुसाइड? यही तो हो रहा है कि जो आउटसाइडर्स बाहर से आते हैं उनको आप कहते हैं कोई ऊपर से गिर के मर गया, कोई सुसाइड लटक के मर गया, ये एस्टैब्लिश एक्टर्स के घरों में क्यों नहीं होता ये? ये आपके सवाल का जवाब है। रोहतराज होने ब्राइम ये भी आउटसाइडर थे, ये कितने बड़े स्टार बन गए, ये कैसे बन गए फिर? ये ये या तो आप देखिए, या हां जी, ये रणवीर आउटसाइडर नहीं है, रणवीर रोहतरा सिद्धार्थ, ये सारे जो आप बॉलीवुड में जो लोग अपने वाइसेस जो ये ड्रग्स हैं उन सबको चीजों में अपने आप को ढाल लेते हैं, वो आउटसाइडर भी आउटसाइडर नहीं रहते। सुशांत सिंह राजपूत ने अगर ये बीड़ा उठाया कि मैं नहीं झुकूंगा इन चीजों के आगे, तो उसको मार दिया गया। या तो आप आउटसाइडर होके इनकी गंदगी में शामिल हो जाएं, या फिर आप आउटसाइडर होके अगर इनके सामने खड़े होते हैं तो आपको मार दिया जाता है। दो ही चीजें हैं आपके पास, सिर्फ अभी का ही नहीं, अगर आप ये चीजें देखोगे ये बहुत सालों से चल रहा है, दिव्या भारती जी के टाइम से चल रहा है। लेकिन जब आके दिव्या भारती जी की लाइक हत्या हुई थी, सुसाइड बोला गया था कि छत से गिर गई, बालकनी से गिर गई, आपने माना था ना?
आप, मैंने भी माना था, मना नहीं कर रहा, हम लोगों ने माना था ना, ये ने माना था। हाँ, क्यों? क्योंकि तब तक हम लोग को इनकी गंदगी के बारे में, इन लोगों की स्ट्रेटजीज के बारे में, इन लोगों की कॉन्स्पिरेसीज के बारे में नहीं पता था। लेकिन अब का जो समय ऐसा है, जब तक आके कोई जनता आवाज नहीं उठाएगी सरकार कैसे ये करेगी? जब तक मीडिया हाउस आवाज नहीं उठाएगा तब तक सरकार क्या करेगी? लेकिन अगर हमारे को दिखता है कि हाँ वहाँ पे गलत हुआ है और आप आवाज उठाओगे, उन चीजों को अपने चैनल्स के जरिए दिखाओगे, कॉमन पब्लिक को अवेयर कराओगे, तो कॉमन पब्लिक खड़ी होगी। ये जो चल रहा है बायकॉट वाला बॉलीवुड, ये कहाँ तक जाएगा? कहाँ तक ठीक मानते आप? कहाँ तक जाएगा? ये जाएगा तो जब तक हाँ ये तो है, जब तक इनकी गंदगी खत्म नहीं हो जाती तब तक ये जाएगा। और जायज है, आपको लगता है कि ये नाजायज है? आप लोग को लगता है? नहीं नहीं, मैं भी एज अ कॉमन मैन, आपको कई लोगों का मानना देश को बड़ा नुकसान होगा। देखिए इन चीजों से, देखो देश को उस टाइम नुकसान नहीं हो रहा जब आके यही बॉलीवुड का जो पैसा है, जो ब्लैक मनी है, वो आके पाकिस्तान में टेररिस्ट की फंडिंग में जाता है। योगी जी कह रहे, एक मिनट पहले मैं आंसर कर लूं कि यही वाला जो ब्लैक मनी है ये जाता है ड्रग्स के पैसे में, यही वाला मनी है जो जाता है हवाला केस में। तो क्या उससे हमारा जो लाइक कंट्री है वो बर्बाद नहीं हो रहा? ड्रग्स के वजह से नौजवान लाइक नशे के आदि हो जा रहे हैं, क्या उससे हमारा लाइक भारत खराब नहीं हो रहा? लाइक टेररिस्ट के वजह से हमारे जवान और हमारी जो सिक्योरिटी सिस्टम है वो कमजोर हो रही है, क्या ये हमारे भारत के लिए लाइक नुकसान की बात नहीं है? लेकिन योगी जी कह रहे हैं कि देश का बहुत बड़ा योगदान है आगे बढ़ाने में बॉलीवुड का, पॉलिटिकल और दूसरे बंदे तो आ ही रहे हैं, उस पे क्या कहेंगे? योगी जी गलत कह रहे हैं? एक मिनट, क्या जी? योगी जी कह रहे हैं कि देश को आगे बढ़ाने में बॉलीवुड का बहुत बड़ा योगदान है। देखिए हम मानते हैं योगी जी गलत है, मैं आपको ये शायद मेरा आपको थोड़ा सा करेक्ट करता हूँ। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री इज इम्पोर्टेंट, ओके, इवन इफ बॉलीवुड, अगर बॉलीवुड भी गंदगी ना मचाए, यूज बॉलीवुड, हु? योगी जी। हाँ, सो व्हाट? बॉलीवुड तो ऑब्वियसली, क्या योगी जी ये बोलेंगे कि लाइक बॉलीवुड ये है? देखिए बॉलीवुड जो बोल रहे हैं ना, जो गलत लोग हैं उनका नहीं है बहिष्कार, तो उनका हो रहा है ना, जो गलत है, सही लोग का थोड़ी ना बहिष्कार हो रहा है। अगर आप प्रॉपर #बॉलीवुड, सारा बॉलीवुड कह रहा हूं ना, तो वो इसीलिए क्योंकि ऑल टुगेदर अभी तो बॉलीवुड ही खड़ा हुआ है। जब ये बॉलीवुड एक टैलेंट में और गलत लोगों में जब डिवाइड होगा तभी तो असली चीज बाहर आएगी। तो उस बेसिस पे बोला जा रहा है,